इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अदा शर्मा, योगिता बियानी, सोनिया बलानी एंड सिद्धि इतनानी स्टार फिल्म द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म का मंडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर बेहतरीन कलेक्शन निकल कर आए हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतरीन कलेक्शन जारी है। फिल्म द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर 10 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म द केरला स्टोरी का अभी तक टोटल इंडिया नेट से 45.25 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 28 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म अपने बजट के मुकाबले शानदार कमाई कर 50 करोड़ के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। दोस्तों फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल घटना के ऊपर आधारित है। फिल्म को सुदीप सेन द्वारा डायरेक्ट किया गया है, तो वहीं फिल्म को विपुल अमृतपाल शाह के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों फिल्म द केरला स्टोरी को अगर आपने मिस किया है तो आप एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को मिस कर रहे हैं। आप अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सलमान खान एंड पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर 0.45 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान का अभी तक टोटल इंडिया नेट से 110.95 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म किसी का भाई किसी की जान का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 185 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 125 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान का आपको ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेंगे। फिल्म किसी का भाई किसी की जान दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं चयन विक्रम ऐश्वर्या राय बच्चन कार्थी जयाम रवि त्रिशा एंड सोबिता रूलीपाला स्टार फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के अंदर 10 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म पोनियन सेल्वन 2 का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 310.85 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से टोटल 110 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो वहीं फिल्म का ओवरसीज मार्केट से 124.05 करोड़ की ग्रॉस कमाई रही है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म पोनियन सेल्वन 2 को ओवरऑल 250 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म पोनियन सेल्वन 2 दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कार्तिक ढांडू के डायरेक्शन में बनी साई धर्म तेज एंड समुक्ता मेनन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म वीरूपक्षा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेलुगु फिल्म वीरूपक्षा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म वीरूपक्षा का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 44 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। और दोस्तों फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। फिल्म आपको तेलुगु वर्जन के साथ साथ तमिल और हिंदी वर्जन में भी सिनेमाघरों में रिलीज है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं गोपी चंद एंड डिंपल हयाती स्टार फिल्म रमन बनम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेलुगु रिलीज फिल्म रमन बनम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 0.85 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म रमन बनम का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 6.60 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म रमन बनम को ओवरऑल 28 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म रमन बनम दोस्तों आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं मलयालम की नई रिलीज फिल्म 2018 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म 2018 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म 2018 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतरीन आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। फिल्म कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है क्योंकि फिल्म एक रियल घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर 4.25 करोड़ की वर्ल्ड वाइड
ग्रॉस कमाई की। इसी के साथ फिल्म 2018 का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 22.25 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का केरला बॉक्स ऑफिस से 12.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म 2018 को ओनली 12 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था इंग्लैंड प्रमोशन कोष को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म 2018 अपने बजट के मुकाबले 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों फिल्म 2018 को ऑडियंस के द्वारा ह्यूज रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के मामले में लगातार बेहतरीन कमाई कर रही है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आता तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।